गुड इवनिंग एवरीवन, मैं पंकज। कैसे हैं सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे। सभी लोगों को पता है कि कल से सीजीएल 2022 का मेंस का एग्ज़ाम शुरू हो रहा है, टीयर टू का एग्ज़ाम शुरू हो रहा है। और एक बात आपको और पता होगा कि इस बार टीयर टू और टीयर थ्री का दोनों का एग्ज़ाम मतलब एक ही बार है, 1 से 2 दिन का गैप के बाद आपको टीयर थ्री का भी एग्ज़ाम होने वाला है। तो कल से एग्ज़ाम शुरू हो रहा है, 2 मार्च से, 2 मार्च से आपका एग्ज़ाम शुरू हो रहा है। हमारे बहुत सारे भाइयों का कल से एग्ज़ाम शुरू होगा। हो सकता है किन्हीं का केवल मेंस का पेपर हो सकता है कि किन्हीं का टीयर टू और टीयर थ्री स्टैटिक्स का भी पेपर हो। मेरा भी कल मेंस का एग्ज़ाम है, 2 मार्च का मेरा टीयर टू है और मेरा 4 मार्च, 4 मार्च को मेरा स्टैटिक्स पेपर है, EEO का पेपर है। तो मेरा एग्ज़ाम टीयर टू का भी है और टीयर थ्री का भी है। तो जिस जिस भाई का कल एग्ज़ाम है, सबको बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा और एकदम खुश होकर शांति दिमाग से आपको एग्ज़ाम देना है। इस बार आपका सिलेक्शन पक्का है। जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है उनका भी सिलेक्शन होगा और जिनका सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो भी अटेम्प्ट है उनका भी इस बार सिलेक्शन निश्चित है। ठीक है, कन्फर्म है कि आप इस बार सेलेक्ट हो जाओगे। तो शांति दिमाग से एग्ज़ाम दीजिएगा। आपको जितना आता है उतना ही सफिशियंट है आपके सिलेक्शन के लिए, इसलिए आपको पैनिक जरा सा भी नहीं होना है। ये नहीं है कि रात में सोते समय आप सोचने लग जाना कि मेरा करेंट का अभी कंप्लीट नहीं हुआ था, मेरा जीएस कंप्लीट नहीं हुआ था, इंग्लिश में कुछ चैप्टर्स पढ़ने बाकी थे और मैथ में मैंने कुछ चैप्टर्स को कंप्लीट नहीं करा। जैसे कि कुछ नया टॉपिक इस बार ऐड किया था SSC CGL ने, प्रोबेबिलिटी का चैप्टर उन्होंने इंक्लूड करा, तो मैंने स्किप किया हूँ तो शायद मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। तो अरे भाई, 2-3 चैप्टर आपका सिलेक्शन, 2-3 चैप्टर जो होता है ना आपका सिलेक्शन डिसाइड नहीं करता। इसलिए ज़्यादा आपको पैनिक नहीं होना है, आपको जितना आता है उतना ही जाके एग्ज़ाम में दे देना है, आपका सिलेक्शन निश्चित है। पहले सिलेक्शन का चांसेस 1 से 2% हुआ करता था, इस बार आपको पता है कि सीजीएल 2022 में वैकेंसीज 38,000 के आसपास है, 38,000 वैकेंसी है और इस बार आपका सिलेक्शन का चांसेस 10% है। और इस बार सिलेक्शन नहीं लोगे तो मुश्किल होगा, क्या पता अगले बार वैकेंसीज इतने सारे वैकेंसीज आएंगे कि भी नहीं आएंगे, कोई बता नहीं सकता। ठीक है, हो सकता है कि अगले बार कंपटीशन बढ़ जाए, तो इस बार आपको सिलेक्शन लेना है, कोई एक्सक्यूजेस नहीं चलेगा। 10% वैकेंसीज है, आई रिपीट, 10% आपका सिलेक्शन का चांसेस अभी से है, तो आप सिलेक्शन ले सकते हो। बस आराम से जाइएगा और शांति दिमाग से आपको एग्ज़ाम देने हैं। आप जानते हैं कि रिपोर्टिंग टाइम 7:45 में है, तो आपको 7 बजे सेंटर में पहुंच जाना है। आधा घंटा 1 घंटा पहले सेंटर में पहुंच जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप टाइम से निकलते हो कि मैं आधा घंटा में सेंटर में पहुंच जाऊंगा, आधा घंटा बिफोर निकल रहे हैं, तो हो सकता है कभी कभी 1-2 मिनट आपका लेट से आप पहुँचते हैं वहाँ पर ट्रैफिक हेवी के कारण, तो आपको एंट्री नहीं मिलेंगे, तो पूरे प्रिपरेशन पर आपका पानी फैल जाएगा। तो ऐसा काम नहीं करना, क्योंकि 1-2 बार मेरे साथ ऐसा हो चुका है, तो ऐसा गलती नहीं करना भाई। आप 6 बजे रूम से निकल जाना। मैं आशा करता हूं कि जितने भी भाई का पटना में, इलाहाबाद में, वाराणसी में एग्ज़ाम सेंटर्स था, वो सारे लोग आज ही अपने एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंच गए हैं और कल अपने सेंटर पर पहुंच जाएंगे। जिनका होम टाउन में अपना एग्ज़ाम है वो भी अपना 6 बजे अपने रूम से निकल जाएंगे। आप जानते हैं कि पहले आपका रीजनिंग और मैथ का पेपर होना है, 60 क्वेश्चंस के लिए आपको 1 घंटा का समय दिया जाएगा। प्लीज़ भाई, सही स्ट्रेटजी से बनाइएगा। देखो, ये वीडियो इसलिए मैं नहीं बना रहा हूँ कि इस वीडियो के अनुसार आप एग्ज़ाम दीजिएगा। आपका जैसा तैयारी है, जैसे आप मॉक अटेम्प्ट किए हैं, वैसे ही आपको एग्ज़ाम देना है। लेकिन एक कुछ मेरा अपना पर्सनल सजेशन है, उसे आपको अच्छा लगेगा तो फॉलो कीजिएगा, नहीं अच्छा लगेगा तो आपका अपना स्ट्रेटजी ही बेस्ट है। पहले भाई, रीजनिंग या मैथ में से कोई एक चीज़ आप बनाना, ठीक है, आपको एक ही बनाओगे, बनाना क्या है तो एक ही बनाओगे। तो जो क्वेश्चन आपको देखने के बाद लगता है कि मैं इसको बहुत बार मॉक में किया हूँ, बहुत बार सेट में मैं इसको बनाया हूँ, इसे मैं विद इन 30 सेकेंड्स 40 सेकेंड्स में कर सकता हूँ, तो उसको पहले आप सोल्व कर लेना। ठीक है, वैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है। हाँ, जो क्वेश्चन पढ़ने के बाद लेंदी लगता है, बहुत बड़ा लगता है, पढ़ने में भी हमको समय चला जाएगा 20 से 25 सेकेंड्स, तो प्लीज़ वैसे क्वेश्चन को स्किप करना। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो देखने के बाद ये तो लगता है कि बन जाएगा, इसका कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर है,
सर टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन होगा, टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन होगा, तो ये सब क्वेश्चन बच्चे से अक्सर बन जाते हैं। लेकिन हो सकता है कि बहुत लंबा देखने में लग रहा हो कि 2 मिनट 2.5 मिनट समय ले लेगा, तो प्लीज वैसे क्वेश्चन को भी स्किप करना है। तो बनाना किसको है, जिसको देखने के बाद लगता है कि बन जाएगा, कम समय लेगा, इस पर प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा है, तो अब कर लेना। 40 मिनट में आप 35 मिनट में 40 क्वेश्चन कर लोगे, और 40 क्वेश्चन कर लोगे तो आपके पास कॉन्फिडेंस बहुत धाकड़ होगा, अच्छा लेवल का कॉन्फिडेंस होगा। फिर जो आपको 20 क्वेश्चन बच जाएंगे उसके लिए 20 मिनट समय होगा, उसको रिव्यू करना, फिर वो क्वेश्चन को करना जिसको आपको लगा था पहला बार में कि बन जाएगा लेकिन समय लेगा, तो उस क्वेश्चन को कर लेना। वो क्वेश्चन करने के बाद भी लगेगा कि अब और भी समय बच रहा है, तो लेंदी क्वेश्चन जो बहुत बड़ा क्वेश्चन था, 6 से 7 लाइन्स में लिखा हुआ था, तो फिर उसको करना, ठीक है। कुछ क्वेश्चन अगर बच भी जाएगा तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। उसके बाद आपको फिर दूसरा सेक्शन वन में ही, दूसरा मॉड्यूल में आपका एग्जाम होगा इंग्लिश और जीएस का, उसमें पता होगा आपको 45 क्वेश्चन इंग्लिश के हैं और 25 क्वेश्चन जीएस का है। इसमें समय का तो इशू नहीं होता है, आप भी बढ़िया से जानते होंगे, लेकिन जो भाई बिगिनर हैं उनके लिए टाइम का इशू हो सकता है, तो प्लीज़ उसमें भी जीएस का पोर्शन पहले सॉल्व कर लीजिएगा। इंग्लिश भी कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंग्लिश करोगे तो आपको वो सेक्शंस पहले करने हैं जिसमें टाइम बहुत कम लगता है, जैसे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, कॉमन एरर, फिलिंग द ब्लैंक्स, इंप्रूवमेंट, नरेशन, वॉइस, स्पेलिंग मिस्टेक, ये सब क्वेश्चन आप पहले कर लीजिएगा। उसके बाद आप अपना कंप्रहेंशन सेक्शन में आना, रीडिंग पैसेज, क्लोज टेस्ट, और फिर अपना जो आपका होता है क्या पीक्यूआर, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, इसको आप बाद में कर लीजिएगा, ठीक है। और जितना आपको बनेगा अच्छा से कीजिएगा। एक बात और है जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जिस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। पहले जो आपका नेगेटिव था 1/4 था, ठीक है, 1/4 था, लेकिन इस बार नेगेटिव आपका 1/3 है। अगर आप एक गलती करते हो तो आपको एक नंबर डिडक्ट कर दिया जाएगा, काट दिया जाएगा। तो एक गलती करते हो तो सीधे आपको 4 मार्क्स की कटौती किया जाएगा, 4 मार्क्स आपका घट जाएगा। इसलिए भाई अगर चारों ऑप्शंस में एकदम आप ब्लैंक फिल कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं चलना है, तो ऐसे क्वेश्चंस में रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि अगर गलती ज़्यादा क्वेश्चंस कर लोगे तो हो सकता है कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा जिनका नहीं होना चाहिए, और आपका होना चाहिए तो आपका नहीं होगा। तो ज़्यादा नेगेटिव नहीं लीजिएगा। हाँ, 2 ऑप्शन में या 3 ऑप्शन में आप कन्फ्यूज़ कर रहे हैं, 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिए, तो ऐसे सिचुएशन में खास करके जीएस और इंग्लिश में आपको रिस्क लेना है, ठीक है। तो आप एग्ज़ाम दीजिएगा, इसके बाद आपका मॉड्यूल 2 में, सेक्शन 2 में, मॉड्यूल 2 में आपका कंप्यूटर का टेस्ट होना है, जिसमें 20 क्वेश्चंस हैं, 15 मिनट्स शायद समय है, 60 क्वेश्चंस के लिए जो क्वालिफाइंग है। इसे भी आप हल्के मत लीजिएगा, इसको भी अच्छे से दीजिएगा। आई नो कि यूट्यूब पर आप कुछ वीडियोस देख लिए होंगे, जैसे कि आरबी शुभम जैन का जो चैनल है, मैं खुद उस वीडियो से देखा हूँ कंप्यूटर। एक मैम है राधिका मैम, जो बहुत अच्छा से पढ़ाई है, 7-8 वीडियो है, मैं किन्हीं का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 7-8 वीडियो बनाई है, वन लाइनर ही है, तो उसको पढ़ने के बाद लग रहा है कि क्वेश्चन सब सारे बन जाएंगे। तो हो सकता है किसी चैनल से देख लेना, आप मैं नहीं बोल रहा उसी चैनल से देखे होंगे, जिनका एग्ज़ाम 7 तारीख को 6 तारीख को है तो देख सकते हैं, जिनका एग्ज़ाम कल है तो कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। तो आप कर लेना, अगर आपका 7-8 क्वेश्चन भी सही हो जाता है और नेगेटिव ज़्यादा नहीं लेते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाओगे, ठीक है। तो कंप्यूटर में ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, कंप्यूटर बन जाएगा। एमएस ऑफिस के बारे में, आपका एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के बारे में कुछ नॉलेज होगा, शॉर्टकट की पता होगा, तो बन ही जाएगा, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। कंप्यूटर के बाद आपका एक और होने वाला है टाइपिंग स्किल, टाइपिंग टेस्ट होगा, जो बहुत ईजी होता है, 15 मिनट्स का आपको समय दिया जाता है। तो प्रयास करना कि एक्यूरेसी के साथ लगाना, 12 से 13 मिनट में प्रयास करना कि कंप्लीट कर ले, क्योंकि 11 से 12 मिनट में आप कंप्लीट कर लेते हो तो आपके पास रिव्यू करने के लिए, चेक करने के लिए 3 से 2 मिनट समय बचेंगे, तो आप देख सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर हो सकता है कि आप एक्यूरेसी मेंटेन नहीं किए और बहुत फास्ट आपने लगाया, ठीक है, बहुत फास्ट लगाया, तो हो सकता है कि गलती हो जाएगा, कुछ लाइन सबसे छूट जाएंगे, बहुत सारे वर्ड गलती हो गया, तो वो तो प्रेशर हो जाएगा कि मैंने गलती करा। फिर रिव्यू करेंगे आप, तो रिव्यू के चक्कर में आप कितना रिव्यू कर पाओगे, 2 मिनट 3 मिनट में स्क्रॉल करके देखना, फिर दोबारा टाइप करना, दोबारा से उसको हटाना, इरेज करना, संभव नहीं होता है। इसलिए एक्यूरेसी मेंशन करके आप कीजिएगा तो ठीक रहेगा, ठीक है। कंप्यूटर हो जाएगा तो फिर ठीक है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बस कॉन्फिडेंस के साथ, मैं बार बार से बोल रहा हूँ, आपका कॉन्फिडेंस ही इस बार सिलेक्शन दिलाएगा, ठीक है। क्योंकि 1 डे एग्जाम है, एक ही दिन में आपका सारा पेपर्स है, तो जो लोग अपने आप को कंट्रोल कर लेगा, जो लोग शांति से एग्जाम दे देगा, उसका सिलेक्शन पक्का है, और जो घबरा जाएगा वो गड़बड़ा जाएगा। टाइपिंग में अक्सर लोग गड़बड़ा जाते हैं, टाइपिंग में अक्सर लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, टाइपिंग में थोड़ा सा होता है कि वो मिस्टेक कर देते हैं,
ठीक है, एक दो लाइन गलती हो गया, एक दो बार गलती हो गया तो प्रेशर में आ जाते हैं। धीरे करना, एक्यूरेसी मेंटेन करके करना, हो जाएगा। आपका घर पे अगर 30 का भी स्पीड है, 29 का भी स्पीड है, और अगर शांति से आप मारते हो तो वहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन 36, 37 का आपका स्पीड है, 40 का स्पीड है, और अगर आप वहाँ पे पैनिक हो जाते हैं तो मैटर नहीं करता है, वहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका 26 से भी स्पीड कम जाएगा। ठीक है, तो कर लीजिएगा, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आसान है। तो और जिनका TA3 का एग्जाम होगा, WO का स्टैटिक्स, जैसे कि मेरा स्टैटिक्स का WO का पेपर 4 मार्च को है, जिनका होगा वो भी अपना अच्छा से दे देना, बीच में एक दिन का गैप होगा। जिनका 6 तारीख को 7 तारीख को है CGL मेंस का एग्ज़ाम, तो मैं कल एग्ज़ाम के बाद आऊँगा तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि एग्ज़ाम का लेवल कैसा रहा है, इंग्लिश का क्वेश्चंस कैसा है, मैथ का क्वेश्चंस कैसा है, कंप्यूटर का क्वेश्चंस कैसा है, टाइपिंग में वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, सब मैं शेयर करूँगा, ताकि जो जिनका 6, 7 को 8 को एग्ज़ाम है वो बच्चों को ज़्यादा हेल्प मिले। तो मैं सारे भाइयों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अच्छा से एग्ज़ाम दीजिए। आपको पता होगा कि पिछले बार अपने इंस्टीट्यूशन से लगभग 10 लोग इंस्पेक्टर पोस्ट पे सिलेक्ट हुए हैं 4600 ग्रेड पे। मैं चाहता हूँ कि इस बार भी ज़्यादा से ज़्यादा मेरे स्टूडेंट्स का, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे शिष्यों का, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे भाइयों का कॉल्स मैसेजेस आए कि सर आई एम ऑल्सो सिलेक्टेड इन CGL इंस्पेक्टर्स, GST, कस्टम्स, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, प्रिवेंटिव ऑफिसर, CBI। तो एक खुशी होता है। मैं एग्ज़ाम बार बार इसलिए देता हूँ क्योंकि मैं खुद को अपडेटेड रखूँ। ऐसे मुझे टीचिंग प्रोफेशन बहुत पसंद है, मैं इसे छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन एग्ज़ाम देने से होता क्या है कि मैं खुद को अपडेटेड रहता हूँ, क्या चीज़ पूछ रहा है, क्या नहीं पूछ रहा है। आपको पता होगा मैं टारगेट बैच में रीजनिंग भी पढ़ा रहा हूँ, मैथ भी पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश भी पढ़ा रहा हूँ। तो ये सब तभी संभव है जब मैं खुद मॉक दे रहा हूँ और खुद एग्ज़ाम्स दे रहा हूँ। ठीक है, तो हाँ, वीडियो थोड़ा सा रुक गया था, चलिए फिर भी जितना भी आपसे बातचीत करना चाहिए था उतना मैं बातचीत कर चुका हूँ। तो फिर से सबको एट लास्ट अंत में बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम दीजिएगा। आई विश योर सक्सेस, आई विश योर सिलेक्शन, आई प्रे टू गॉड कि इस बार आपका सिलेक्शन कन्फर्म हो, अच्छे से एग्जाम दे दीजिएगा। प्लीज़ पैनिक नहीं होइएगा, जितना आपको आता है उतना में इस बार आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बस खुद पे विश्वास करके अपना एग्ज़ाम दे देना है, ठीक है। और अगर संभव हो तो आप लोग मुझे भी थोड़ा सा बेस्ट ऑफ लक बोल दो, ऑल द बेस्ट बोल दो। ये वीडियो लाइव तो नहीं चल रहा है कि आप लिखोगे तो मैं देख लूँगा, लेकिन हाँ कॉमेंट सेक्शन में, कॉमेंट करके मुझे बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट कर सकते हो। देखिए, ऑल द बेस्ट और बेस्ट ऑफ लक करने से किसी का सिलेक्शन नहीं हो जाता, उसका तैयारी ही, उसका प्रिपरेशन ही डिसाइड करता है उसका सिलेक्शन, ठीक है। अगर किसी का प्रिपरेशन है तो सिलेक्शन होगा, और अगर प्रिपरेशन तैयारी नहीं है तो सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये सब थोड़ा सा सुनने से दोस्तों से लगता है कि वो मेरा सिलेक्शन की कामना करता है, इच्छा करता है, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो मैं बाद में कभी कमेंट सेक्शन को ओपन करके देखूं तो मुझे लगे कि इतना सारे भाई मेरे सिलेक्शन को चाहते हैं, विश करते हैं, तो थोड़ा सा मुझे खुशी महसूस होगा। तो ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं मैं पटना में ही हूँ, एक होटल में अभी स्टे किया हूँ, और यहाँ पे मैं 3 डेज के लिए हूँ, 2 तारीख, 3 तारीख और 4 तारीख, और 2 मार्च से लेकर मैं 4th ऑफ मार्च तक मैं यहाँ पे हूँ। आप सब जानते हैं कि मेरा जो ऑफलाइन क्लासेस है, ऑनलाइन क्लासेस है, सारा बंद है। 1 मार्च से लेकर आपका 12 मार्च तक, 1st ऑफ मार्च से लेकर 12th ऑफ मार्च तक क्लासेस सारे ऑफ हैं, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम्स भी था और साथ ही साथ होली का छुट्टी भी देना था। तो देखिएगा, आप ज़्यादा घबराओगे नहीं कि इतना लंबा छुट्टी हो गया। स्टूडेंट्स को किसी भी सिचुएशन में अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेना चाहिए। आई होप कि आप भी अच्छा से प्रिपरेशन करेंगे, आप अच्छा से रिवाइज कर लेंगे, जो सेक्शन में आपका रिवीजन नहीं हो पा रहा था उसको आप अच्छा से रिवाइज कर लेंगे। होली तो केवल 1-2 दिन है, बाकी अपना पढ़ लेना। देखिए, जैसे कि मैं यहाँ पे रूम में हूँ, होटल में स्टे किया हूँ यहाँ पे, और मैं अकेले नहीं हूँ क्योंकि मैं कहीं पे अकेले स्टे नहीं करता। आज मेरे साथ हैं आलोक भाई, जो टारगेट बैच के खतरनाक सुपर डुपर स्टूडेंट हैं, जिनका मैथ और रीजनिंग और इंग्लिश बहुत हकड़ है। अभी सेट में, मॉक में ये लगभग आउट ऑफ 200 मार्क्स में लगभग 170-165 स्कोर्स करते हैं। तो आलोक हैं मेरे बहुत प्रिय शिष्य, बहुत अच्छे स्टूडेंट, जो मुझे बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। तो मुझे प्राउड होता है ऐसे स्टूडेंट्स जब मिलते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और इनका भी तैयारी बहुत अच्छा है। ऐसे तो अपेयरिंग पर हैं इस बार, लेकिन एग्ज़ाम सेंटर के निकलने के बाद, एग्ज़ाम सेंटर से निकलने के बाद मैं और आलोक दोनों अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। अगर कुछ स्टूडेंट एग्ज़ाम सेंटर पर मिलेंगे तो उनसे भी कुछ बातचीत करवाएंगे। देखिए हमारे आलोक भाई, आलोक भाई हाँ कुछ बोल दीजिए आप। हाँ, ये आलोक जी हैं, चलिए ठीक है। तो एग्ज़ाम सेंटर से निकलने के बाद फिर आपसे बातचीत करते हैं। बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।